कुशोत्पाटनी अमावस्या। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुशा ग्रहणी अमावस्या की। कुशा जो एक घास की तरह होती है, जिसे हम दर्भ भी कहते हैं। हर पूजन में, कोई भी वैदिक पूजन इत्यादि हम अपने घर में करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसमें कुशा का एक विशेष महत्व अपना होता है। साथियों, कुशा के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं, तो कुशा के जड़ का जो हिस्सा होता है, कुशा के जड़ में ब्रह्मा जी का वास, और कुशा के मध्य में विष्णु जी का वास, और कुशा के अग्र भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। तो इस दर्भ का हम हर पूजा में इसे ग्रहण करते हैं। मैं राहुल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष में। तो साथियों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल से अभी अभी आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता दी लिख करके कमेंट में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो आइए चलते हैं अपने विषय पर। 30 अगस्त 2019 को कुशोत्पाटनी अमावस्या आ रही है। इस दिन अगर आप कुशा को उखाड़ करके अपने घर ले आते हैं तो यह कुशा सारा वर्ष काम करती है। पूरे वर्ष में जब भी आप अपने घर में यज्ञ इत्यादि या कोई भी मांगलिक कार्य करवाएं, तो आप इस कुशा में से कुशा लेकर के पूजा में इसे ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, इस दिन लाई गई कुशा सारा वर्ष कार्य करती है। और अगर इस दिन सोमवार आ जाए, अगर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सोमवार पड़ रहा हो, तो उस दिन उखाड़ी हुई कुशा पूरे 12 वर्षों तक काम करती है। तो आपने करना क्या है, 30 अगस्त 2019 को अमावस्या के दिन सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके आप कुशा का जो पौधा होता है उसके पास जाइए, उसे जल से सींच करके। आपने कुशा को काटना नहीं है, कुशा को उखाड़ना है, और क्या बोलना है, ओम हूम फट, इस मंत्र को बोल करके आपने कुशा को उखाड़ना है। उत्तम कुशा किसे कहा गया है, जिस कुशा के ऊपर किसी शस्त्र का प्रहार ना हुआ हो और जो बिल्कुल हरी हो, कटी फटी कहीं से ना हो, ऐसी कुशा देख करके आप उखाड़ करके अपने घर ले आए। पितृ तर्पण इत्यादि में भी कुशा का अपना एक विशेष महत्व है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पूजा में कुशा का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।